Hey everyone, good morning. Welcome back to the channel. I hope you all are doing great in your life. So once again, welcome back to a refreshing new vlog. और सुबह सुबह का टाइम है, आज सुबह अराउंड 6 बजे मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई है. हल्का ठंडा था तो सॉक्स वगैरह पहन लिए हैं. एंड आफ्टर सो यहाँ पर एक ग्लास पानी लेके इसको गर्म कर लूँगी. गले में थोड़ी खराश सी फील हो रही है तो उसको पानी को पीकर रिलैक्स मिलेगा. ऑल्सो आजकल 6 o'clock पे मॉर्निंग स्टार्ट होती है तो भी सारे काम डन हो जाते हैं, क्योंकि सिया की बस जो है वो अराउंड 8:20 के आसपास आती है, तो काफ़ी टाइम होता है ब्रेकफास्ट वगैरह सब रेडी करने के लिए. अब फ्लोरिडा में बस थोड़ा जल्दी आती थी तो वहाँ पर मॉर्निंग थोड़ी और जल्दी स्टार्ट करनी पड़ती थी. और आज मैं सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ इडली, क्योंकि ये जो इडली बैटर लेकर आई थी इसको मुझे ख़त्म करना है इससे पहले इसकी डेट जो है वो निकल जाए. और साथ में मैं पीनट चटनी बना रही हूँ. पीनट्स लिए हैं, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च ली है. थोड़ा सॉल्ट और मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको हम भून लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसको ठंडा करके पानी के साथ ग्राइंड कर देंगे. थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर देंगे. एंड गाइज, ये बहुत यमी चटनी बन जाती है. और उसके बाद बस सिया रेडी होगी स्कूल के लिए. भूमि को आकर शावर दूंगी. मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वॉक पे. वॉक पे जाने से पहले मैं कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स या थोड़ा सा कुछ फ्रूट या कुछ खा जाती हूँ कि एकदम खाली पेट एकदम एनर्जी फील नहीं होती इसलिए. तो फ्रेंड्स, सिया को उसके बस स्टॉप पर ड्रॉप किया. उसके बाद मैं सोसाइटी में एक दो राउंड्स लगाने के लिए चली गई. आज वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है. सो ये सोसाइटी का बारबेक्यू एरिया है तो यहाँ पर ना मैं थोड़ी देर बैठी हुई हूँ. मैं हो गई हूँ रेडी फॉर द डे और बाहर बहुत अच्छा लगा वॉक करके आई तो. ऑल्सो वापस आने के बाद फिर मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है. और ना आज का ब्रेकफास्ट ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा बना था. स्पेशली वो पीनट वाली चटनी है ना, उसका बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जो है टेस्ट आया था. तो आप लोग ऐसे ट्राई करना. वेदर थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है और अब अप्रैल एंड से लेके यू नो मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर में अब थोड़ा विंटर्स वाली आएंगी. तो धीरे धीरे अभी ना शिकागो में प्रॉपर समर आ जाएगी. तो इसीलिए मैं जो विंटर्स वाले कपड़े हैं ना वो वॉश कर करके रखती जाऊंगी और थोड़े समर के कपड़े निकाल लेती हूँ. अभी मैंने ज्यादा निकाले नहीं थे कि ना फ्लोरिडा से वापस आने के बाद सारे गर्म कपड़े ही यूज हो रहे थे. लंच बनाऊंगी तो लंच में मैंने आज तो एक्चुअली मॉर्निंग में ही मैं ना काफी सारी जो इडली है वो बना के रख दी है. तो आई थिंक दैट विल बी इनफ. तो मुझे सांभर बनाना है अभी और फिर मुझे कुछ रोटियां बनानी है, क्योंकि मम्मी जो है वो सांभर को एज अ दाल समझ के ही खा लेंगी रोटी के साथ. और लंच करने के बाद हम लोग अपार्टमेंट के पीछे जो एरिया है वहाँ पे वॉक कर रहे थे. अच्छा, अभी ना बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम होता जाएगा, हरियाली हो जाएगी चारों तरफ और छोटे छोटे फ्लावर्स भी आप देख सकते हो, डैंडेलियंस जो हैं वो आने लग गए हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ स्प्रिंग. एंड उसके बाद धूप भी अच्छी खिली हुई है. मम्मी को थोड़ा फिर भी ठंडा ही लगता है तो हम लोग वॉक करके आए. यहाँ पर शाम की चाय बन रही है. बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया था. ऑल्सो नेक्स्ट डे है रामनवमी तो यहाँ पर मैंने चने सोक कर दिए हैं और ओवरनाइट सोक हो जाएंगे तो नेक्स्ट डे मैं प्रसाद बना सकूँ. और शाम को सिया और भूमि की स्विमिंग क्लास थी. उनको स्विमिंग पे ले जाने से पहले मैं डिनर वगैरह सारा बना कर जाती हूँ, क्योंकि वापस आने के बाद इनको बहुत भूख लगती है. तो स्विम क्लास में हम लोग मम्मी को भी ले जाते हैं, वो भी देखती हैं, इन्जॉय करती हैं. गुड
Hey friends, so recently I ordered one new bicycle for my daughter Sia and this I have ordered from Amazon. मैं इसका Amazon link जो है वो description box में डाल दूंगी. So this is Royal Baby Easy Kids Innovation 2-in-1 Balance and Pedal Learning Bicycle. This is 18 inch for girls and boys and for 3 to 9 year old kids. And I picked this bright pink color for my daughter, but ये कई सारे colors में available है like black, green, yellow, blue and white. अच्छा यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड अनबॉक्सिंग कर देते हैं सारे बाइक के पार्ट्स की. ऑल द पार्ट्स आर वेरी वेल पैक्ड एंड कवर्ड एंड माय डॉटर इज सो एक्साइटेड टू सी दिस. यू नो दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू माय डॉटर एंड हियर इज दिस वारंटी कार्ड. अलॉन्ग विद दैट देयर इज असेंबली गाइड वेयर यू कैन रीड एंड क्विकली असेंबल योर बाइक. इनफैक्ट 90% ऑफ द बाइक पार्ट्स दे आर प्री असेंबल्ड. वी जस्ट हैव टू डू फ्यू थिंग्स, सम टाइटनिंग ऑफ द नट्स एंड बोल्ट्स एंड इट विल बी ऑल गुड टू गो. So friends, these are all the parts of the bike which came in the box. Along with that, there are two fabric bags, cute ones, you can see with a pocket. Royal Baby bike complies with CPSC and EN71 standards and is trusted by millions of families from over 80 countries. Customers are provided with high-level warranty and local 24-hour service when contacting Royal Baby for any queries. Royal Baby bikes are also made with premium material and technology like argon welding and 4 layers of coating paint commonly used in the luxury automotive industry. This is a 18-inch bike for my daughter and there is a size chart by which you can check the right bike fit for your kid by checking the wheel size, bike weight and height of the rider. So friends, bike assembly is very quickly done. Let's check the tire pressure and fill some air into that and let's go out. My daughter is so excited to take some rides on this bike. The very innovative idea of Royal Baby Easy Bike is that it is a balance bike as well as pedal bike. So you can see I have removed the pedal here and you know if your kids they are in the beginner stage of learning to ride the bicycle then you can just put on the knobs for the balance and then you can see your kids balancing. So friends, instead of the training wheels which sometimes give a false hope to the kids, it is a kind of a balance and a pedal bike system. So kids can first learn to balance. When they gain confidence, we can quickly transform back to the pedal. This bike also comes with optimized weight and geometry. The exclusive child-friendly geometry gives kids an optimal riding posture. Also, the bike tires are 2.4 inch wide and this makes the biking experience more steady on all types of terrains. Also, you can easily adjust the saddle height in the bike. The cool Jet engine water bottle at the back of the seat, it really gives a stunning point work, will stand out among the crowd. Also friends, there is easy to stop brake system in the bike. Kids can use the specially designed short pull brake system to stop the bike with their smaller palms. So I would say this is a beautiful, bright and sturdy bike and my daughter totally loved it. And the various essential features like a bell, water bottle, toolkit, kickstand makes it so useful. So my daughter was totally enjoying the rides and I'm sharing the Amazon link of this bike in the description box below my video. Thank you. And thank you Royal Baby for sponsoring this video. Good morning dosto. To abhi next day morning hai, also Shri Ram Navami hai. तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी श्री राम नवमी. और आज मैं जल्दी जग के रेडी हो गई हूँ फॉर द डे, शार वगैरह लेके, क्योंकि फिर मुझे प्रसाद बनाने जाना है. तो बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाया, चलिए चलते हैं किचन में. तो आज मैं काले चने बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, ये सारा प्रसाद का जो मेन्यू है वो रहेगा. ऑल्सो चाय बनने भी रख दी है. तो सबसे पहले हलवा बनाते हैं. एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी लिया है, अराउंड हाफ कप से ज़्यादा ही होगा. दूसरी तरफ मैंने 3-4 कप पानी में 1 कप चीनी डाल के बॉयल होने रख दी है. इधर जैसे घी गर्म हुआ तो उसमें मैंने 1 कप फाइन सूजी जो है वो ऐड की है. कम फ्लेम पे, लाइक मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रोस्ट कर लूँगी. और उसके बाद हम जो पानी है, 3-4 कप पानी है ये, इसको धीरे धीरे इसमें ऐड करूँगी. सारा पानी मैंने ऐड कर दिया है कम फ्लेम करके. इसको अच्छे से पकने दूँगी सो दैट हलवा जो है वो अच्छे से फूल जाए. इस तरह से हलवा बहुत टेस्टी बनता है. बीच में 1-2 बार हम चला देंगे और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं. मैं लास्ट में थोड़े से ही डालूंगी, नहीं तो बच्चे बिल्कुल भी खाते नहीं हैं. और फिर यहाँ पर चने भी बॉयल हो गए हैं तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो मैंने निकाल दिया है. ये अराउंड 1 कप चने हैं. और उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल गरम करके और बहुत ही जो बेसिक मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा थोड़ा नमक डाला था, तो इस तरह से वो बना लिया है. इधर पूड़ियों के लिए मैं डो रेडी कर लेती हूँ.
अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को बोल रही थी ना क्लोथ्स ऑर्गेनाइज करने हैं, तो टाइम ही नहीं मिला था, बट आज नेक्स्ट डे है, आज सोचा चलो आफ्टरनून में ये काम डन कर लेते हैं। तो मैंने सिया भूमि के कुछ कुछ समर्स के क्लोथ्स निकाले, कुछ विंटर्स के रखे, इस तरह से काम किया। और लिमिटेड स्पेस ही अभी रेंटेड अपार्टमेंट में, तो यू नो उस अकॉर्डिंग हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। कुछ कुछ अभी और शेल्फ में लगाने हैं, तो इस तरह से अभी तो रफली मैंने रख दिए हैं, किसी और दिन देखती हूँ। और साथ में थोड़ा मील प्रेप भी किया था मैंने, और मम्मी ने मिलके साफ़ कर दी थी मेथी फटाफट। थोड़े करेले रखे थे इससे पहले ये ख़राब हो जाएं, करेले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं यहाँ पे, तो मैंने इनको स्लाइस में कट करके थोड़ी देर मैरिनेट कर दिया, तो मेथी भी साफ़ हो गई है नेक्स्ट डे के लिए। पेपर टावल लगा के इसको एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी। अच्छा, सिया को नेक्स्ट डे राजमा खाने हैं, तो राजमा भी सोक कर देती हूँ, ओवरनाइट सोक हो जाएंगे, नेक्स्ट डे राजमा बना दूंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं डन हो गई हैं। ऑल्सो मेरे किचन में एक लाइट वर्क नहीं कर रही थी, इसकी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट डाली, क्योंकि वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो लाइट तो चाहिए प्रॉपर। बीच में मुझे अपने ना फ़ोन की लाइट यूज़ करनी पड़ रही थी, तो ये सही करने के लिए आ गई, ये भी डन हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, अप्रिशिएटिंग दैम। फिर जल्दी मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। बाय एवरीवन, टेक केयर।